नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बहुत समय से एक बात कही जाती है कि बीजेपी जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाती है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा इसका विरोध किया। विपक्ष कहता रहा कि बीजेपी जो है वो विपक्षियों को परेशान करने के लिए सीबीआई और खासकर ईडी का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने कहा कि ऐसा नहीं है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आईना दिखाकर यह साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उसकी बेहद कम दोष सिद्धिदर पर कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सीधे सवाल उठाए, अगर आरोपी दोषी नहीं ठहराया जाता तो इसका क्या मतलब है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि किसी आरोपी को बिना मुकदमा चलाए सालों तक हिरासत में रखना क्या सही है। यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई थी, जो पिछले दो साल में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बेबुनियाद तौर पर नहीं बोला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसका पुख्ता कारण है। दरअसल ईडी के आंकड़ों से पता चलता है कि उसकी जो दोष सिद्धिदर यानी कि कन्विक्शन रेट है वो बहुत खराब है। 2014 से 2024 तक पीएमएलए के तहत कुल 5,297 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 40 मामलों में दोष सिद्धि हो पाए, वहीं 3 मामलों में लोग बरी हो गए। यही नहीं, पिछले 17 सालों में 5,422 मामलों में केवल 23 मामलों में अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है, जो कुल मामलों का तकरीबन 0.42% है। खास बात यह भी है कि ईडी पर बयान और रिसर्च के मुताबिक जो एक खास बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि ज्यादातर मामले विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ किए गए थे। जैसे कि बीजेपी की सरकार में 2014 से 22 तक के बीच ईडी ने 121 प्रमुख राजनेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए। इसमें से 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे। इस दौरान 2020 में 34 और 21 और से लेकर 23 तक हर साल 26 प्रकरणों का पंजीकरण किया गया है। हालांकि इसमें से केवल 5 मामलों में ही सुनवाई पूरी हुई और एक मामले में 2020 में सजा हुई। खास बात यह है कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं था। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार में महज 26 नेताओं से ईडी ने पूछताछ की थी। इसमें से केवल 54% यानी कि महज 14 नेता ही विपक्ष के शामिल थे। देखा जाए तो ये आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की गिरफ्तारी यानी कि ईडी गिरफ्तारी तो कर लेती है, लेकिन नेताओं को महीनों तक जेल में रखती है और दोष सिद्ध भी नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में ईडी को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सजा की दर को बढ़ाना है तो उसे सिर्फ गिरफ्तारी और संपत्ति की जब्ती नहीं बल्कि जांच की मजबूती पर काम करना होगा, वरना विपक्ष के पास हजारों सवाल तैयार रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।